और इन 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था एंड दोबारा चार्टर एक्ट पास होने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था अभी हम गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आज हम सिर्फ सेवन गवर्नर जनरल्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग गवर्नर जनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सो लेट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज वेर हास्टिंग फ्रॉम 1772 टू 1785 ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन किया था और उनके टाइम पे जमींदार्स को जुडिशियल पावर्स दिया गया था और सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंस्टैब्लिश किया गया था उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ को हाईलाइट करने के लिए इन 1781 कलकत्ता मद्रासा बनाया था 1784 में ही स्टार्टेड द एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आवर नेक्स्ट गवर्नर जनरली सर जॉन मैकफर्सन फ्रॉम सेवनटीन एटी फाइव टू सेवेन्टीन एटी सिक्स इनके टाइम पीरियड में एज सच कोई भी नोटिसबल इवेंट्स नहीं है और या नहीं हुआ था एंड उन्होंने टेम्परि पोस्ट हेल्ट किया था नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालस फ्राम सेवनटीन एटी सिक्स टू सेवनटीन नाइनटी थ्री परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड जमींदारी सिस्टम उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था उनके टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स एंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था पुलिस रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विसेज इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट गवर्नर जनरल इज सर जॉन शोर ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन और इन्होंने ही चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट इज लॉर्ड विजले फ्रॉम 1798 टू 1805 इन्होंने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को एडॉप्ट किया था ये एक ऐसा सिस्टम है ताकि ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स को अपने कंट्रोल में रख सके एक कॉलेज भी इन्होंने ओपन किया था कंपनी सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए और उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है एंड इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज भी इस्टैब्लिश किया था नेक्स्ट गवर्नर जनरल इज सर जॉर्ज बालो फ्रॉम 1805 टू 1807 उनके टाइम पे वाइटल इवेंट्स बिलोर म्यूटिनी था या हुआ था इन 1806 इस म्यूटिनी में इंडियन सोल्जर्स ने काफी सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स को मार दिया था और ए सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके टाइम पीरियड में सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वन फ्रॉम 1807 टू 1813 लॉर्ड मिंटो वन के साथ महाराजा रंजीत सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 को खत्म किया था या Conclude tha Now, let us have a quick glance at the list of 7 governor generals we have discussed in details in chronological order. You can pause the video for a while and can take a screenshot as it is given in chronological order. ड दिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एथेटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल को एस्टैब्लिश किया था यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड दफ यू हैव एनी डाउट और एनी टॉपिक इन योर माइंड प्लीज फील फ्री टू कमेंट मी एंड आई मेक श्योर टू अपलोड दैट टॉपिक फॉर यू So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye, take care, and please don't forget to like, subscribe, and share.